जन्मांतर से ही महाशक्तियों का प्रभाव इस ब्रह्मांड पर रहा है। भक्तगण अपने हृदय में श्रद्धा का भाव लिए दर्शन हेतु मंदिरों में आते रहे हैं। जीवन का सूर्य उदय होते ही मन में भक्ति एवं श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। कितने ही भक्तजन इस पवित्र भूमि पर दर्शन के अभिलाषी होकर देवी देवताओं के मंदिर में आते रहे हैं। उन देवियों में से एक देवी का रूप है ये महाशक्ति। शक्ति का दूसरा रूप है मीनाक्षी देवी। इनका ही एक और रूप है जो शक्ति का प्रतीक है। अधर्म एवं अन्याय का अंत करने वाली महाकाली भी शक्ति का प्रतीक है। इस देवी को भद्रकाली नाम दे दिया गया है। इस देवी को समर्पित है ये कथा।
काली माता, तेरी महिमा अपरंपार है। महाकाली माँ, तू मंगलमय पूजनीय है। मेरे मन में संतोष का भाव तूने दिया। अरे रे रे, ये क्या कर रही हो? गर्भवती होकर भी इतनी दूर पैदल चलकर तुम माता के दर्शन करने के लिए इतना कष्ट उठाकर आती हो? देवी पर प्रसाद ही चढ़ाना था तो मुझसे कह देती, मैं आकर चढ़ा देती। मैं यदि गर्भवती बनी हूँ तो ये सौभाग्य प्रदान करने वाली ये काली माता ही है। इनकी दया एवं कृपा के कारण ही मुझे ये सुख प्राप्त हुआ है। सुनो तो, इस हालत में भोजन परोसने को कौन बोला था? क्यों मैं खुद लेकर खा नहीं सकता? इतना स्वार्थी हूँ मैं। तुम इतना कामकाज करके आए हो, इसी कारण मैंने भोजन परोस के रख दिया है। अरे मूर्खों सी बात मत करो, तुम्हें कुछ ध्यान भी है? बच्चों जैसी बात मत करो, तुम मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हो, ऐसे समय अधिक कार्य नहीं करते। तुम बैठो, मैं स्वयं तुम्हारे लिए भोजन परोसता हूँ। हाँ? बैठो। क्या कहा, पत्नी को पति भोजन खिलाएगा? शर्म करो, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे? सारा दिन कामकाज करके थक के लौट के आए हो, पहले तुम बैठ के खाओ। इधर सुनो, मेरी बात तुम कभी नहीं मानती, अपनी बातों से काट देती हो। मेरी बात मानो, तुम बैठ जाओ। बैठो ना। नहीं, अरे बैठो ना। नहीं, बैठ जाओ। मेरी बस करो, बस करो, बस इसी तरह बहस करते रहे तो खाना ही सड़ जाएगा। भैया ये सब आखिर क्या है? जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक भाभी नहीं खाएंगी। आप चुपचाप बैठ कर खाना खाओ। बैठो ना भैया। पत्नी की बात को माने नहीं, परंतु बहन की बात को मान लिया। ये लो, तुम्हारे लिए विशेष कर पकाया है। भाभी, सबसे पहले मैं भोजन करूंगा, उसके बाद तुम लोग खाना, समझ गए? ओहो, स्वादिष्ट है, सुनिए, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। तुम्हारे हाथ का पकवान बहुत बढ़िया। ये क्या भैया, मैं बोले जा रहा हूं और तुम चुपचाप सुन रहे हो? मेरी बात सुनकर बोलती बंद हो गई क्या? तुम क्या समझते हो, ये कोई सराय है? कब से तुम यही करते आ रहे हो, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। तुझे ये क्या, बाप रे, अतिथि को इस प्रकार मारते हैं? इतना जोर से मारा, अभी भी दर्द हो रहा है। ए, मैं कई दिनों से तांत्रिक का कार्य सीख रहा हूँ, उसका प्रभाव कुछ हुआ कि नहीं यही जानने का अभिलाषी था और इसी कारण वहां पर गया। मेरे रहते तुम्हें भला ये मंत्र तंत्र के चक्कर में पड़ने की क्या आवश्यकता है? हाँ, कार्य करने की अभिलाषा से मैं कदाचित तंत्र मंत्र का कार्य सीख रहा हूँ। ना जाने कितने तांत्रिकों को मैं जानता हूँ, तांत्रिकों को लोग कितना आदर सत्कार देते हैं, ये आदर सम्मान मुझे भी मिलना चाहिए। मैं भी एक तांत्रिक हूँ। इस बात पर बाद में बहस कर लेना, पहले तुम दोनों बैठकर भोजन करो। जाओ, एक थाली और ले आओ। क्या, एक और थाली? यही थाली बहुत है। एक ही थाली में सिर्फ तुम दोनों खाते रहोगे? इन दोनों को एक थाली में खाने नहीं दोगे क्या? अरे खाने दूंगा ना, अच्छा सा मुहूर्त देख कर दोनों का ब्याह करवा देंगे, वरना इसका ब्याह कहीं और हो जाएगा, है ना? छोड़ो ना भैया। भैया मुझे देर हो रही है, गंगा देवी से मिलने जाना है। ये गंगा देवी कौन है? वही जमींदार की लड़की, बिना इसे देखे उसे नींद ही नहीं आती। क्या कहा, ब्याह के बाद भी अगर वो गंगा देवी इसके साथ रही तो मेरा क्या होगा? सुनो, तुम्हारी भाभी के पेट में दर्द हो रहा है, शायद बच्चा होने वाला है। मैं दाई को बुलाकर लाता हूँ, तुम ध्यान रखना। रुको, घर के अंदर एक नारी कष्ट सह रही है, वो भी अकेली, और तुम एक नर होकर भीतर कैसे प्रवेश कर सकते हो? आश्चर्य मत कर मूर्ख, इस कुटुंब की मर्यादा का कार्य भार देवताओं के अधीन है, अतः तू हमारे कार्य से अनिविज्ञ है। तेरे ज्ञान के लिए इतना बताना उचित होगा कि इस कुटुंब में जन्म लेने वाले शिशु का भाग्य लेखा लिखने के लिए ही मैं यहाँ पर पधारा हूँ। ऐसे क्या भैया,
इस कुटुंब के वारिस के विषय में आप मुझे कुछ बताएंगे? बताइए ना। कदाचित नहीं, शिशु के दर्शन के पश्चात ही हम उसके भाग का निर्णय करेंगे। तो फिर भाग्यलिखा लिखने के पश्चात जाते समय आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपका आभारी रहूंगा। सुनो, जीवन की भाग्य लीला विधि के विधान पर ही निर्भर है, विचारों पर कदाचित नहीं। विधि का विधान क्या है? मनुष्य विचार कुछ करता है और होता कुछ और ही है। मैं विधि के विधान से अनभिज्ञ नहीं हूँ। तुम केवल इस बच्चे के भविष्य की भाग्यलेखा लिख कर जाओगे, परंतु जीवन तो उसी को सवारना और निखारना है ना। तुम जाकर विधि का विधान लिखो। तेरे विचार पूर्णतः सत्य है, परंतु उस शिशु के भाग्य लेखा से अज्ञात रहना भी किसी प्रकार का धर्म नहीं है। उस शिशु का भाग्य लेखा लिखने के पश्चात जाते समय उस विषय में बताऊंगा। इस शिशु के देखते ही इसके पिता की मृत्यु निश्चित है। हाँ, इस शिशु को देखते ही इसके पिता की मृत्यु निश्चित है। ये कैसा विधान है? बरसों बरस से वो पुत्र की लालसा में व्याकुल था, अब शिशु इसके मृत्यु का कारण बनेगा। वो शिशु पाकर प्रसन्न होता और उसके मन को संतोष प्रदान होता। आप इसे मृत्यु का कारण बता रहे हैं, ये किस प्रकार का विधि का विधान है? आपने तो भाग्य क्यों लिखा? आप देवलोक से आए हैं या यमलोक से? मैं असमर्थ हूँ, विधि का विधान यही है। मैं तो केवल अपना कर्तव्य ही पूर्ण कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं, नहीं। आप मेरा जीवन ले लीजिए, परंतु मेरे मित्र और उसके पुत्र का भाग्य को बदल दीजिए, मेरा जीवन ले लीजिए। सूर्य जिस दिन पूर्व से ना निकलेगा, उसी दिन ही विधि का विधान परिवर्तित किया जा सकता है, उसके पूर्व कदाचित नहीं। विधि का विधान पाप पुण्य के चक्र पर ही निर्भर है, यही विधि का विधान है। इस नवजात शिशु के ग्रहों का ये दोष है जिसके कारण ये हो रहा है। इसके कारण वशी पिता पुत्र से ग्रहों के इस समय काल में मिला तो मृत्यु होना पूर्णता निश्चित है। मित, बेटा क्या देख रहे हो? अपने मित्र को यहां छोड़कर गया था, पता नहीं कहां चला गया। तुम अंदर जाओ। काली माता, एक ऐसा अनर्थ। बेटा जरा अंदर आ तो। क्या हुआ मौसी? तुम्हारी पत्नी का बच्चा तो हुआ, लेकिन अब बच्चा गायब है। बच्चा लापता हो गया? कैसे? कौन मेरा बच्चा ले गया होगा? आश्चर्य है, इतनी रात में बच्चा लेकर कहां जा रहा है? क्यों भैया, क्या बात है, किसे खोज रहे हो? मेरा बच्चा लापता हो गया है भाई। मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है, परंतु कोई उसे चुरा ले गया है। ऐसा क्या? तुम्हारा जो मित्र है ना, उसको ही मैंने बच्चे को ले जाते देखा, कहीं वही तुम्हारा बच्चा तो नहीं ले गया है? तांत्रिक विद्या में यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो छोटे मोटे पाप तो कर सकते हो, ऐसा मेरे गुरु ने कहा था। मुझे पसंद नहीं आया, मैं चलाया। परंतु विचार किया जाए तो किसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए कोई पाप किया जाए तो यह धर्म का कार्य होता है। हे भगवान, वो पापी मेरे बच्चे को तांत्रिक विद्या के उपयोग के लिए ले गया होगा। बताओ वो किस ओर गया? वो जंगल की ओर गया है, परंतु अब तक तो वो दूर निकल गया होगा। भला तुम अब इसे कैसे पाओगे?
नहीं बहन, इस समय तुम्हारी आंखों से जो एक एक आंसू बह रहा है वो रक्त के ही समान है। इतने बरसों बाद मुझे बच्चा हुआ और मैं उसका मुख तक नहीं देख सकी, रोने के अतिरिक्त क्या शेष रहा, मेरे आंसू ही मेरे भाग्य। तंत्र मंत्र का प्रयोग करने वाले उस तांत्रिक को तुम लोगों ने अपने घर में रहने दिया, ये तुम्हारी ही भूल है। उस बच्चे का वो तंत्र विद्या में उपयोग करेगा, क्या तुम्हें ये नहीं पता था? बोलो। पता था, परंतु समय आने पर छोटा बच्चा भी सर्प बन जाएगा नहीं पता था। सोचा था परदेश गांव से तांत्रिक विद्या सीख कर आया है, परंतु उसने तो मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। सुनो, यदि मुझे जन्म देने वाली माता सत्य है तो मैं उसे अवश्य खोज निकालूंगा और उसे दंड दूंगा। भैया रुक जाइए, ये हथियार लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? उस घाती को दंड देने। कौन घाती? मेरा एक ही शत्रु है रामलाल, मेरे शिशु को मेरे मुख देखने से पूर्व ही वो उठाकर चला गया है। पापी, सुनने में आया है कि वो सपापी के जंगल में ही रहता है, जब तक मैं उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। सुनिए ना भैया, आज तक उस जंगल में जाने का साहस किसी में नहीं हुआ है, वहाँ कोई मानव नहीं जा सकता। यदि वो उस जंगल की ओर गया होगा तो किसी ने तो उसे देखा होगा। जैसे पागल औरत पर पत्थर मारकर लोग परिहास करते हैं, उसी प्रकार दुख के समय पर गाँव वाले भांति भांति की बातें करते हैं। आप समझते क्यों नहीं है भैया, बोलिए। तुम्हें नहीं पता, जब तक मैं उसके शरीर से सर काट कर नहीं फेंकता मैं नहीं रुकूंगा, मुझे जाने दो। जिस प्रकार आप इस वक्त क्रोध में हैं, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि रामलाल ऐसा विश्वासघाती हो सकता है। एक तांत्रिक होने के कारण उसने ही ऐसा पाप किया होगा, ये आपका विचार है। वो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे विश्वास है। हाँ भैया, हो सकता है उन्होंने जो पाप किया हो उसके पीछे कोई ना कोई त्याग भावना जरूर हो। मैं सत्य कहती हूँ, एक दिन आपको अवश्य पता चल जाएगा कि वो निर्दोष है। सच भैया, यदि आपकी बात सत्य निकली तो मैं कसम खाती हूँ कि उसका गला काटने वाली मैं स्वयं होंगी भैया, इन्हीं हाथों से। आपकी कसम भैया, ये मेरी प्रतिज्ञा है। बहुत हो गया, एक एक करके झगड़ा कर रहे हो। एक तो बच्चा खो गया, आए अतिथि को हत्यारा समझ रहे हो, ये बात उचित नहीं है। अतिथि द्रोही है या त्यागी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, परंतु मेरा बच्चा जीवित है। जिस काली माँ ने मुझे पुत्र का वरदान दिया था उसी काली माँ पर विश्वास है, वो मुझे पुत्र से फिर मिलाएगी, ये मेरा विश्वास है। रुक जाओ। अरे मुंह क्या देख रहा है, मार इसे। रुक जाओ, इसे क्यों मार रहे हो? तुम बोलती हो सांप को मत मारो, अगर सांप को मारा नहीं तो हमको डस नहीं लेगा। सुनो, ये मंदिर का सांप है, इस सांप को मारना पाप है, तुम लोग जाओ। छोटी मालकिन ने कह दिया ना, अब खड़े क्यों हो तुम लोग, जाओ ना यहाँ से। चलो चलो चलो, यहाँ से चलो। हमको क्या लेना देना है। सुनो, थोड़ा दूध लाओ तो। काली माँ, किसी पर गुस्सा मत करो, ये दूध पीकर शांत हो जाओ। क्या हुआ बताओ। हाँ भाभी, गंगा देवी ने जो दूध रखा था उसे मंदिर का सांप बिना पिए ही वापस चला गया। अरे रे, बेचारी गंगा देवी का मुंह एकदम उतर गया। बेचारा यदि बिना दूध पिए चला गया तो ये उचित नहीं हुआ। गंगा देवी का चढ़ाया दूध यदि उसने नहीं पिया तो अवश्य इसमें कोई अपशगुन है। कुछ भी हो, काली माँ को ही उस बेचारी को हर दुख से बचाना होगा। ओम ज्वाल रूप ब्रह्मो इंजे नमः, ओम ज्वाल प्रकाश दिव्यो गाये नमः, ओम ज्वाल शोभित दिग्मुहाये नमः, ओम ज्वाल भैरव अंकिताये नमः, ओम ज्वाल मूर्हित दानवाये नमः, ओम चलिता शेष भुवनाय नमः, ओम ज्वाल मंत्र स्वरूपिण्ये नमः, ओम ज्वाल मोहित दानवाये नमः, ओम ज्वाल मालाये नमः। मंगल रूपिणी महिषासुर मर्दिनी महाकाली शरणं शरणं शरणं।
माता, आज तक जो वरदान तूने किसी को नहीं दिया वो तंत्र मंत्र माया जाल शक्ति देकर मुझे धन्य कर दे माता। मैं आजीवन तेरा आभारी रहूंगा, तेरी सेवा करता रहूंगा। मां, क्या वर चाहिए? माता, मैं जब चाहूं तब किसी का जीवन ले सकूं एवं उसे जीवन दे सकूं, इस प्रकार की परम शक्ति मुझे वरदान में दे दे काली माता, बस मुझे इतना ही चाहिए। क्यों हंस रही हो माता? इतनी सारी शक्तियां होने के पश्चात भी तू ऐसा वरदान मांग रहा है, इसलिए काली माँ। हाँ, जिसने तुझे तृष्णा मिटाने को जल दिया उसी का जल पात्र लेना चाहता है। तांत्रिक वर मांगने की सीमा होती है, पंचतंत्र, नवग्रह, प्राकृतिक शक्तियाँ सब केवल माँ के ही अधीन हैं। यदि यह शक्तियाँ तू प्राप्त करना चाहेगा तांत्रिक, तो तेरा ही विनाश हो जाएगा। मुझे दुखी कर चली गई, मुझसे ये सहन नहीं होगा, मैं सब नष्ट करके रहूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, अमावस की रात रुद्राक्ष के संग मुझे उस काली माँ ने वरदान देने से मना कर दिया, इसका क्या अर्थ है? किसी भी मूल्य पर मुझे वो दोनों वरदान चाहिए, किसी भी मूल्य पर मुझे वो दोनों वरदान चाहिए। तांत्रिक क्रोधित मत हो मूर्ख, जिस देवी माँ ने तुझे वरदान देने से मना किया है उसी देवी माँ को प्रसन्न करने का भी एक उपाय है। बताइए गुरुदेव। एक काली माँ की भक्ति के गर्भ से जन्मे बच्चे को लाकर यदि उसकी बलि काली माँ पर चढ़ाओगे तो माँ तुझे अवश्य वरदान देगी और तेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। विचार मत कर, जैसा मैंने बताया मेरे अनुसार एक ऐसी नारी को शीघ्र ही खोज कर उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगा कि उससे जन्मा बच्चा उसके पति का नहीं और उस शिशु की बलि चढ़ा। जो आज्ञा गुरुदेव। क्या हुआ? क्यों चिल्लाई? बताओ तो, क्यों चिल्ला रही थी? हैं? कोई देख रहा है, कोई चोरी छिपे मुझे देख रहा है। क्यों पागलों से बात कर रही हो? सपना देख रही थी, सब दरवाजे खिड़कियां बंद है, तुम्हें कौन देखेगा? बात सुनो, जिस देवी माँ की तुम सच्चे मन से पूजा करती हो वही तुम्हारी रक्षा करेगी। चलो सो जाओ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं बुरा आदमी हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सुनो, ये एक तो विरुद्ध और ऊपर से ये स्वामी जी है, उनको क्यों मार रहे हो? गुरु, जरा इसे मजा चखाओ तो। अभी मजा चखाता हूँ साले को। Thank you.
से भाग निकलते हैं। चलो 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 भागो, चलो चलो चलो। पुत्र स्वामी जी, इस नाग देवी को गंगा जल में स्नान कराने को काशी जा रहा था मैं, ऐसे समय पर इन लोगों ने आक्रमण कर दिया, रक्षा की धन्यवाद। देखिए, आप जैसे स्वामी से मिलना सौभाग्य की बात है, यदि आप हमारे घर चलकर भोजन ग्रहण करें तो संतुष्टि होगी हमें। मन से आमंत्रित कर रहे हो, मना नहीं कर सकता, चलो। चलिए। सुनो भाग्यवान, बाहर एक सन्यासी से मिलना हुआ, उन्हें भोजन कराने के लिए ले आया हूं, वो बाहर ही है। उन्हें बाहर क्यों रोक दिया, अंदर लेके आइए। ठीक है स्वामी जी, अंदर आइए, आइए ना। पागल हो गई हो, क्या बकवास कर रही हो? कुछ नहीं पुत्र, मेरे हाथ में जो नाग देवी है, उसने ही तुम्हारी पत्नी को उसकी सच्ची भक्ति के कारण साक्षात दर्शन दिए हैं, जिससे ये अचानक भयभीत हो गई है, और कुछ नहीं। ऐसा क्या स्वामी? जाओ स्वामी के लिए भोजन लाओ, जाओ। थोड़ा रुको, दूसरों के लिए बनाया भोजन हम जैसे लोगों के लिए उचित नहीं, अगर हमारे लिए अलग से भोजन बनाकर ला सकते हो तो ठीक है। जी स्वामी जी, जैसे आपकी इच्छा। भाग्यवान जाओ, आइए स्वामी जी। बिराजिए। मैं तो जंगल से सूखी लकड़ियां लाई थी, ये अचानक हरी कैसे हो गई? काली माँ, इस लकड़ी से मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? भाग्यवान क्या सोच रही हो, जल्दी करो। हाँ अभी आई। काली माँ, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी इतनी बड़ी परीक्षा मत लो माता, मेरी रक्षा करो। काली माँ, अपने घर पर आमंत्रित करके जो भोजन तुमने प्रेम से कराया, इससे मन प्रसन्न हुआ, सदा प्रसन्न रहो। स्वामी जी एक विनती है। बोलो। जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया उसी दिन वो हमसे बिछड़ गया, मेरी पत्नी का विचार है कि वो जीवित है, आप हम पर कृपा कीजिए स्वामी जी।
तुम्हारा पुत्र जीवित है यही जानकर मैंने तुम्हारे घर में प्रवेश किया। जिस घर में पुत्र नहीं होता उस घर में भोजन नहीं करते, क्या तुम नहीं जानते? जिस कारण से तुम्हारा पुत्र इस घर से खो गया है, एक दिन निश्चित रूप से इस घर में शीघ्र ही वापस आ जाएगा। तुम धीरज रखो, यही तो विधि का विधान है पुत्र। मैं चलता हूं। आप नागमाता भूल गए। सदा सुखी रहो। अचानक मेरे मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं। तुझे मुझे इन विचारों से दूर रखना होगा। बुरे ख्यालातों से भी तुम्ही को मेरी रक्षा करना होगा माता। हरी लकड़ियों को जलाकर इसने बता दिया कि ये काली की भक्तिन है। अब एक और परीक्षण करना ही होगा।
अब किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि ये काली माता की एक सच्ची भक्तिन है, परंतु मैं भी अपनी संपूर्ण शक्ति से अपना चमत्कार दिखाकर ही रहूंगा। इस काली की भक्ति से जन्मा पुत्र इस समय कहाँ है, दिखा मुझे। गुरुदेव, 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 ये कैसा अनर्थ है। जिस बच्चे को मैं काली माँ पर बलि देना चाहता हूँ, आज वही काली माँ उस बच्चे की रक्षा कर रही है। अब मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तांत्रिक, अपने यज्ञ और तप से तू काली माँ को प्रसन्न कर और फिर उस बच्चे को प्राप्त कर, और उस बच्चे की बलि से ही तुझे दैविक शक्ति की प्राप्ति होगी। मुझे ये बताइए, मैंने जो वरदान मांगे थे उनका क्या होगा? जब तक काली माँ प्रसन्न नहीं होती तब तक तेरा वरदान पूर्ण नहीं होगा। कैसे गुरुदेव, शीघ्र ही बताइए। जिस माँ के गर्भ से उस बच्चे ने जन्म लिया है, उस माँ एवं काली माता के मध्य जो संबंध है उसका तुझे अंत करना होगा। मैं चलता हूँ गुरुदेव। सुन, अपने लक्ष्य को पाने तक तू कार्यरत रह। जमींदार साहब, नक्षत्रों का ऐसा शुभ मिलन प्रथम बार देख रहा हूँ। संपूर्ण ग्रह एवं नक्षत्र छोटी मालकिन की जन्म कुंडली को शुभ एवं संतोषमय दर्शा रहे हैं। इस प्रकार की कुंडली गंगा देवी के भाग्य में है कि भगवान स्वयं आश्चर्यचकित है। सही कहा ना? हाँ, सही कहा। बहना, आपकी क्या राय है? अगर कुंडली मिल गई तो धूमधाम से शादी करा देनी चाहिए। तो देर किस बात की, तय कर लेते हैं। कितने शुभ संयोग का ये मुहूर्त निकला है। वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में अमृत योग में ये संयोग निकला है। वाह 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 वाह, कितनी सौभाग्यशाली है कन्या। अब कोई संदेह नहीं, निश्चिंत होकर आप ब्याह की तैयारी करिए। सही कहा ना? सही कहा। ऐसा है, बड़ी खुशी की बात है। मेरी बेटी की शादी उसी दिन रख लेते हैं। Thank you.
जोर से बजाओ। हे भगवान, ये सांप तो मंदिर का नाग देवता है। यही तो, ये कैसा अन्याय है। कलयुग में भगवान भी अंधा हो गया है। मंदिर का सांप तो शुभ होता है, परंतु मंदिर का सांप ही शादी के मंडप पर इस बेचारी का सुहाग को चीनेगा, ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। इस तरह का अनर्थ और क्रूर अन्याय उसने क्यों किया? इस अभागन को विधवा बनाकर रख दिया। वो काली माँ है या कोई शत्रु? तुझे महान समझती थी, लेकिन तू तो सबसे ज्यादा क्रूर निकली। तूने अच्छा नहीं किया, ये तो घोर अनर्थ है। मंदिर में आने से शुभ होता है, भक्तों को यही ज्ञात है, लेकिन तूने तो सर्प का रूप धरकर मेरा सुहाग छीन लिया। ये तेरा आखिरी अनर्थ होगा। सौगंध खाती हूँ, जब तक जिंदा हूँ तू इस मंदिर से कभी भी बाहर कदम नहीं रखेगी। सत्य और धर्म के मार्ग पर ही मैं आज तक चलती रही। अगर ये सच है तो इस मंदिर के दिए बुझ जाएंगे। आज तक इस मंदिर का द्वार खुला था, लेकिन अब बंद हो जाएगा। इसकी नाक काट दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। अरे बताओ इसने क्या किया है? इसी कारण। अरे गंजे, छींकना कोई पाप है क्या जी इसकी नाक काटेगा? छींकना कोई पाप नहीं है, लेकिन जब जमींदार की बेटी की शादी का मुहूर्त निकला तब ये जोर से छींका था, इसलिए उसका दूल्हा भी मर गया। आज मैं उसकी नाक काट कर ही रहूंगा। ना रहेगी नाक, ना रहेगी छींक। अरे नाक काटने के बाद छींका तो गला काट दूंगा। उधर है, छींका नहीं खांसा था भैया। मेरे घर में ऐसी एक दुर्घटना होगी मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कितने प्यार से मैंने अपनी बेटी का नाम गंगावती रखा था, लेकिन पता नहीं किस जन्म का पाप मुझे इस जन्म में सजा दे रहा है। किसे मालूम था कि आंसू की नदियां बहेगी मेरे घर में इस तरह। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। एक ऐसा पच्चड़ आया जिसने इस हरे भरे मधुबन को एक ही क्षण में पूरी तरह वीरान कर दिया। हम क्या करें? भगवान ने तो मृत्यु के कई मार्ग बनाए हैं, लेकिन मुर्दों को जीवित करने का एक भी मार्ग नहीं बनाया। मैं हमेशा कहती थी अपनी गंगा का मन दूध की तरह सफेद है, अब तो उसका तन भी सफेद से ढक दिया जाएगा। नहीं, कभी नहीं। मैं अपनी आंखों से कभी
उसे इस वस्त्रों में नहीं देख सकता हूँ। बहना तुम ही अपने हाथों से उसे दे दो, जाओ जाओ। उसके नए कपड़ों को चुनकर खरीदने की जिम्मेदारी वो हमेशा मुझे सौंपते थे, अब ये सफेद कपड़ा भी मुझे ही देना पड़ रहा है। ऐसा भी समय आएगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। हे भगवान। मैं क्यों सफेद वस्त्र पहनूं? मेरे जीवन में अंधेरा है, इसलिए ये काला रंग चुना है। जी हाँ, उस काली ने ही मेरा सुहाग मुझसे छीनकर मुझे ये वस्त्र धारण करने पर विवश किया है। सबका ध्यान रखने वाली काली ने मेरे साथ ही ये अन्याय क्यों किया? मैंने इसी विरोध में इस काले वस्त्र को पहनना उचित समझा है। उस काली माँ को मुझे जवाब देना ही होगा। उस समय तक ये रंग नहीं बदलेगा। बताना भूल गई। क्या है? मैं आज हाट में लक्ष्मी को देखी थी, वो तो गिड़गिड़ा के इतना रोने लगी कि क्या बताऊं। बात क्या है? उसका भाई जमींदार के पास खेती में काम करता है, वो तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता है, तुमसे पूछने के लिए कहा था। बहन के ब्याह के विषय में ही मैं भी सोच रहा था, उस द्रोही रामलाल से इसका ब्याह रचाना चाहता था। उस पापी ने मेरे सपनों को तोड़ दिया, अब उस पापी के हाथों मेरी बहन की मांग सजे मुझे स्वीकार नहीं। सुनो भाग्यवान, अगर विद्यासागर की बहन दिखे तो उसे बोलना कि हमारी बहन का रिश्ता मांगने हमारे घर आए। ठीक है। Thank
सुनो बहन, क्या बात है? ननन, तुम्हारी ननन जंगलों की तरफ जा रही थी, हाथ में हथियार लिए। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, जल्दी जाके उसे बचाओ, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। जिस जंगल में पुरुष जाने को डरता है, उस जंगल में ये लड़की क्यों गई? जिस ढंग से वो जा रही थी, मुझे लग रहा है जरूर कोई अनहोनी होने वाली है। क्यों बहन, तूने उसे डांटा था? बोल बहन, कहीं ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं करी तूने उससे? बोल। उसकी शादी के बारे में बात हुई थी और तो कुछ नहीं हुआ। लगता है वो रामलाल को भूली नहीं, वो उन्हीं जंगलों में रहता है, पता लगाकर उससे मिलने के लिए गई होगी। उसके बारे में सोचने से मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम जल्दी जाओ, उसे लेके आओ, जल्दी जाओ। छोड़ दे मेरा हाथ, जब तक तेरी गर्दन तेरे धड़ से मैं अलग नहीं कर देती, मुझे शांति नहीं मिलेगी। मुझे मारना चाहती हो? बेधड़क तुम मुझे मार सकती हो, सब मुझे गलत समझते हैं। हाँ, मेरी मौत भले हो, मगर मैं बच्चे को हिफाजत में रखा हूँ। और हाँ, उधर देखो, ये बच्चा कितना खुशी से यहाँ पर है, तुम उसे मिलना नहीं चाहती? हाँ, तोड़ दिया, तोड़ दिया। इस बच्चे को मैं क्यों उठाकर लाया हूँ, इसका कारण क्या तुम जानना नहीं चाहती हो? कारण है, अपने मित्र की जान बचाने के लिए इस वनवास को मैंने स्वयं अपनाया है, ये कोई अन्याय नहीं है। आप मुझे मारना चाहती हो, मार दो, मुझे क्षमा कर दो। दूसरों से तुम्हारी बुराई सुनकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। उठो। बच्चे के बारे में मैंने सारी बातें तुम्हें बता दिया, ये सब तुम अपने भैया और भाभी को बच्चे के बारे में कुछ नहीं बताना, बस कुछ दिनों के लिए प्रतीक्षा करना, समय आने पर मैं स्वयं बच्चों को लेकर उन लोगों के पास आ जाऊंगा। तुम्हारी त्याग भावना में धीरे धीरे करकर हमारा प्यार जल रहा है, ये पूरा जलकर राख होने से पहले ही तुम गांव वापस आकर मुझे स्वीकार लोगे, इस विश्वास से मैं वापस जा रही हूं। इतने दिनों से मैं तुझे ही खोज रहा था, बता मेरा बच्चा कहाँ है? बता कहाँ है मेरा बच्चा? ए, बताएगा कि नहीं? Thank you.
बाबू आपको किसने मारा मुझे बताओ, मैं उसे मार डालूंगा। इधर आ जाओ। तुम्हें किसी तरह के कष्ट ना हो इसीलिए मैं वापस आ गया। क्या बोल रहे हो? उठो, अब तुम्हें समझने की समय आ गया है। क्या तुम दुनियादारी नहीं जानती? बच्ची हो, जिस जंगल में पुरुष जाने को डरता है उस जंगल में तो अकेली चली गई। तुम में इतना साहस! वो तांत्रिक अतिथि के रूप में हमारा दुश्मन निकला, फिर भी उस दुश्मन की याद में अपने ही भाई को ठोकर मारने का क्या मतलब? उसने तुम पर कोई जादू कर दिया क्या? आधी रात को जैसे उसने मेरे बच्चे को उठा लिया, वैसे ही तुम्हें भी उठाने का कोई उसने षड्यंत्र रचा लिया क्या? बस करो भाभी, अगर उनके विरुद्ध आपने एक शब्द भी मेरे सामने निकाला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सत्य और त्याग की एक जीती जागती मूरत है वो, आप नहीं जानती हो भाभी। आपके सुहाग को कुछ ना हो, आपकी मांग हमेशा सजी रहे, इसी कारण आपके बच्चे को लेकर वो यहाँ से भाग गए भाभी। जैसा कि आप समझते हैं वैसा उनके मन में कोई खोट नहीं है भाभी। क्या कह रही हो? हाँ भाभी, उनसे मिलने के बाद ही मैं सारी सच्चाई जान गई। उसके अतिरिक्त आपका बच्चा उनके पास बहुत खुश और सुखी है भाभी। क्या कहा? मेरा बच्चा? मेरे बच्चे को तुमने देखा? मेरा बच्चा कैसा है बताओ, जल्दी बताओ, मेरा बच्चा कैसा है? दोष लेकर पैदा हुए आपके बच्चे का चेहरा अगर भैया ने देख लिया तो उनकी मृत्यु निश्चित है, ये जानकर ही वो बच्चे को लेके जंगल की तरफ चले गए भाभी। इसके अलावा और कोई कारण नहीं। अब बताइए भाभी, क्या वो द्रोही है? माता, मैं दुनियादारी को नहीं मानती, तुझे मानती हूँ। तूने मेरा विश्वास जीत लिया, मेरा बच्चा सही सलामत है ये खबर देकर तूने मेरा विश्वास जीत लिया। मैं तेरी आभारी हूँ, मैं तेरी आभारी हूँ। मूर्ख नारी, किस लिए इतने दिनों से अपना समय नष्ट कर रही थी? मेरा कहना मान ले और अपना पुत्र मुझे सौंप दे। अपना बच्चा मैं तुझे क्यों दूंगी? एक कसाई से तू पूछ रही कि वो एक बकरे का क्या करेगा? हाँ पापी, इसका मतलब मेरे बच्चे को? हाँ, इसीलिए एक आम मनुष्य को जो शक्ति नहीं मिली वो मुझे मिली है, तेरे पुत्र को मोक्ष मिलेगा। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, किसी भी हालत में नहीं दूंगी। इसका अर्थ ये है कि तेरे पति की मृत्यु की तिथि निश्चित है और तू विधवा बनने वाली है, तू तैयार रहना। हाँ। तो देख, जिस हथियार से मैं तेरे पति को मारने वाला हूँ वो यही है। काली महाकाली! गुरुदेव! तांत्रिक! क्या? तंत्र मंत्र का यंत्र इतना सहज नहीं होता मूर्ख। तू यदि लक्ष्य प्राप्त करने का इच्छुक है तो इस प्रकार के कष्ट तो स्वाभाविक हैं कि तेरे मार्ग में आते ही रहेंगे। उन कष्टों से संघर्ष करके विजयी होकर लक्ष्य प्राप्त करना ही तेरे लिए उचित है मूर्ख। समय की गति को पहचान। गुरुदेव, उस नारी के कुटुंब में इतना संकट पैदा कर कि उस नारी का विश्वास काली माता से हट जाए और काली माता उससे क्रोधित हो जाए और तुझे वो पुत्र मिल जाए। वैसे ही करूंगा गुरुदेव। उस काली माता की भक्ति के पति को मैं तड़पा तड़पा कर मार के रहूंगा। अब मैं अपना चमत्कार दिखा कर ही रहूंगा। Oh,
क्या हुआ? सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया, ये दूध तो पी लीजिए। मत आओ, मत आओ, मेरे निकट मत आओ, मत आओ, मत आओ। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ आपको? मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को कुछ मत करना, मेरे पति को छोड़ दे। अगर तू सदा सुहागन बनकर रहना चाहती है तो तुझे ममता का त्याग देना होगा। मुझे कोई शीघ्रता नहीं है, सोच समझकर उत्तर देना, बाकी मैं देख लूंगा। क्या कहती हो? मैं सच कह रही हूँ, दैविक शक्ति के सामने तेरी तांत्रिक शक्ति नहीं चलने वाली। मेरी काली माता मेरे बच्चे और पति को तुमसे बचा के रखेगी। तुझे जो करना है कर ले। मूर्ख नारी, अगर अगर मैंने तेरे पति को तुझसे अलग नहीं किया तो मैं सारे तंत्र मंत्र बदल दूंगा, विजय आखिर मेरी ही होगी। हाँ, आप ये क्या है? आपका हाथ तो जल रहा है। तुम इसकी चिंता मत करो, पहले वो दिया जलाओ। तुमने उस दिए को तो जला दिया पुत्र, लेकिन और एक दिया है जो बुझने वाला है शीघ्र ही, तुम्हारे जीवन का। क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? हाँ पुत्र, ये तुम्हारे लिए एक अंतिम परीक्षा होगी। सच है स्वामी जी, ये कैसी माया है नहीं जानता। ठीक से सो नहीं सकता, ठीक से खा नहीं पाता। मुझे जो दंड मिल रहे हैं वो अनगिनत है। यदि तुम इन दंडों से मुक्त होना चाहते हो तो सदा तुम्हें अपने पुत्र के साथ रहना होगा। ये कैसे हो सकता है स्वामी जी? मेरा बच्चा मेरे पास। स्वामी जी, मेरा बच्चा, आप जानते हैं कहाँ है वो? तुम्हारा बच्चा कहाँ है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा कहाँ है ये तुम्हारी पत्नी जानती है। तुरी, ये जानते हुए भी कि बच्चा कहाँ है तूने मुझसे क्यों छुपाया? बता। नहीं बताऊंगी, तुम्हारे कान की जरे भर दिए हैं। अब अगर अपने बच्चे को देखेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोष काल का समय पूरा होते ही बच्चा स्वयं घर आ जाएगा। दोष मुझे नहीं तुझे हुआ है। अनजान लोगों की बातों पर विश्वास करके मुझसे हर बात छुपाई तूने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बता दे। मारिए, मार डालिए, अपने जीवन से अधिक मुझे अपना सुहाग प्यारा है। बच्चे के बारे में मत पूछिए, नहीं बताऊंगी, मत पूछिए। सोचा था मेरा मित्र ही मेरा दुश्मन बनेगा, लेकिन तू उससे भी बड़ी दुश्मन हो गई है। मेरे बच्चे को खोजना और मेरी जान बचा लेना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझ गई? सुनिए, हाँ।
काली माता, क्रोधित होकर गए मेरे पति की हर मुसीबत से तू ही रक्षा कर, मेरे सुहाग की रक्षा कर माता। स्वामी, आने वाली अमावस की रात को काली माता की देवी के अलंकार के लिए ये सब आभूषण मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं स्वामी जी? आपके हाथ में सोना है लेकिन चेहरे पे चमक नहीं है, वही सोच रहा था। दुख में भी हंसना चाहिए ऐसा स्वामी जी ने कहा है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। स्वामी, इस घर के अंदर रोशनी ही रोशनी है पर मेरे दिल के अंदर अंधेरा है। उस देवी माता को तुम्हारी बेटी के रूप में देखा, जो कुछ भी हुआ मुझे अफसोस है। चिंता मत करो, जिस तरह बुझे हुए दिए को फिर से जलाया जा सकता है उसी तरह तुम्हारे इस घर के अंधेरे को फिर से रोशन किया जा सकता है। ये कैसे मुमकिन है स्वामी जी? विधवा फिर से दुल्हन बनेगी तो दुनिया क्या कहेगी? यहां पर तुम रो रहे हो और बाहर दुनिया हंस रही है। तुम्हारे बारे में दुनिया जब चिंता नहीं करती है तो तुम क्यों कर रहे हो? दुनिया में शास्त्र नाम की भी कोई चीज होती है स्वामी। ऊपर वाला जब तुम्हें संतुष्टि देता है तो इस संतुष्टि को कोई शास्त्र रोक नहीं सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम इन शास्त्रों के पीछे पड़े रहोगे तो तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। स्वामी, सबसे पहले तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा, वो भी काली माता का, तब जाकर तुम्हें इन सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। नाग देवी, जैसा आप चाहते हैं स्वामी जी, उसका शुभारंभ आपको ही करना होगा। करूंगा। रुक जाओ। जिस हत्यारण ने मेरे पति की जान ली उसे मंदिर में रहने का भी अधिकार नहीं है। आप लोग उसे घर तक लाकर यज्ञ कर रहे हैं। जिसने मेरे साथ हुए अनर्थ का किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया, आप सब मिलकर इस घूंगी हत्यारण की यहाँ आराधना कर रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं होने दूंगी। इसका ये अधिकार नहीं है। बस नहीं, करो ये सब। शांत हो जाओ। नहीं बेटी, नहीं। अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो मुझसे ले, अगर तुझे सवाल का जवाब चाहिए तो उससे नहीं मिलेगा। जवाब मेरे पास है। हाँ बेटी, आज तक जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे मेरा पाप ही है। एक दिन मैं हमेशा की तरह जंगल में शिकार के लिए निकला। वहां मुझे एक आदिवासी लड़की दिखाई दी, बहुत ही सुंदर थी। मैं उससे प्यार कर बैठा, अपना दिल दे बैठा, तड़पा, किसी भी तरह उसे अपने वश में करना चाहता था मैं। लेकिन उसकी शादी की खबर मुझे मिली, मैं अपने गुस्से में। मालिक, जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उसकी आज शादी है। क्या बक रहे हो? हाँ मालिक,
नाग देवी के मंदिर में आज उसकी शादी हो रही है। जो मेरी न हो सकी उसे किसी और की कभी नहीं होने दूंगा। स्वर्ग से सुमन गिरे, गगन में मेघ घिरे, विवाह में तेरे देवता भी गीत गाने लगे। स्वर्ग से सुमन गिरे, गगन में मेघ घिरे, विवाह में तेरे देवता भी गीत गाने लगे। देवी माँ महादेवी माँ, कोई वरदान सुंदर सा दे दो माँ। देवी माँ महादेवी माँ, वरदान सुंदर सा दे दो बंधन में इन्हें बांधे सदा रहो। जीवन में जो भी दुख हो उनको तुम दूर करो। प्रेम के बंधन में इन्हें बांधे सदा रहो। जीवन में जो भी दुख हो उनको तुम दूर करो। कष्ट दूर करो, हर कष्ट दूर करो, आशीष दे के जीवन सफल करो। कष्ट न कोई चिंता न कोई, जीवन सदा माते इसका सुखी हो। देवी माँ महादेवी माँ, कोई वरदान सुंदर सा दे दूँ माँ। देवी माँ महादेवी माँ, कोई वरदान सुंदर सा दे दूँ माँ। बस बनी रहे कृपा, सावन बादल भरा रहे मेरी मन की इच्छा। चाहे मौसम कोई भी हो बस बनी रहे कृपा। ताल तलैया सागर नदियाँ जग में बाजे ताल कहरवा। हर जगह पे है बसंत का मौसम, बहका बहका मोर देखो जियरवा। देवी माँ महादेवी माँ, कोई वरदान सुंदर सा दे दो माँ। उस दिन तुमने मेरे प्यार को हवा में उड़ा दिया था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे सिंदूर को हवा में उड़ा दिया है। हे नीच, मुझे शादी के दिन ही ऐसे विधवा बना दिया, तेरा अच्छा नहीं होगा। रो और रो, उस दिन तो मैं थोड़ी देर के लिए रोया था, लेकिन आज तुम सब जिंदगी भर के लिए रोते रहो। अरे पापी, तेरे पास अधिकार है, उस अधिकार के बल पर तू यह अन्याय कर रहा है। सुन, तेरे पास जो शक्ति है उससे भी बढ़कर एक शक्ति इस दुनिया में है। जमींदार, उस नाग देवी के शक्ति के बल पर मैं तुझे शाप देता हूँ। जिस तरह मेरी बेटी सुहागन बनने से पहले विधवा बन गई और मैं उसके दुख पे तड़प रहा हूँ, उसी तरह तेरी बेटी भी सुहागन बनने से पहले विधवा बन जाएगी। ये नाग देवी अवश्य तुझे दंड देगी। उस दिन तो मैं यूं ही हंसा था, लेकिन आज मैं अपने सच्चे दिल से रो रहा हूं। मेरे किए की सजा मेरे ही घर में मेरी बेटी को मिलेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी कभी नहीं सोचा था मैंने। आज मुझे पछतावा है। क्यों बेटी? मेरे किए की सजा तुम्हें क्यों मिल रही ऐसा तुम सोच रही हो ना?
श्रवण के अंधे माँ बाप ने दशरथ से कहा था कि तुम भी मेरी तरह अपने बेटे के लिए तड़पोगे। जब उतने बड़े महाराजा के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो मैं कौन हूँ, इसके सामने कौन हूँ मैं? देवी माता ने जो सजा दी है वो बहुत कम है, बहुत कम है। गंगा, न्यायाधीश कोई भी दंड देने से पहले पूरी परिस्थिति पर विचार करते हैं, और हाँ, कोई भी न्यायाधीश किसी निर्दोष को दंड देने से पहले उस पर विचार करते हैं, परंतु तुम अपने आप को दंड देने से पहले किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया है। ये तुम किस प्रकार का अन्याय कर रही हो? गीता में मैंने पढ़ा है कि दूसरों को कष्ट देने वाले से अधिक पापी कष्ट सहने वाला होता है, और यही अन्याय तुम अपने आप से कर रही हो। क्या इससे काली माता प्रसन्न होंगी? गंगा, धर्म और अधर्म के मध्य जो अंतराल है उससे तुम अभी भी पूर्णता अनभिज्ञ हो। जीवन जीने का नाम है। स्वयं को कष्ट देना जीवन कदाचित नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है, तो तुमने अपना जीवन को क्यों स्थिर रखा है? आज तक इस मंदिर का द्वार खुला था, लेकिन अब बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपनी जान देकर भी उस माँ के मंदिर का दरवाजा फिर से खुलवा दूंगी। बाबूजी, क्या हुआ आपको? आप उस चांद की ओर देख रहे हैं। हमारे वनवास का समय समाप्त होने वाला है, अब मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले जाऊंगा। तुम नहीं समझोगे, इस वनवास में हमने 5 वर्ष बिताए, अब हमारे दोष काल का समय समाप्त हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हारे पिता नहीं हूं बेटा, गांव में तुम्हारे पिता बेचैनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं, बाकी विवरण बाद में बताऊंगा, अब तुम जाकर सो जाओ। तांत्रिक, उस बालक के रक्त से ही काली माँ प्रसन्न हो सकती हैं। जाओ, उस बालक की बलि उस काली माँ पर चढ़ा और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। जा मूर्ख जा, विजय प्राप्त करके ही लौटूंगा, चलता हूं। इधर सुन, अपनी तांत्रिक विद्या पर इस पर गर्व मत कर। कुछ भी करने के पहले सोच लो। मैं हर काम सोच कर ही करता हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। ये बात है, मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग कभी नहीं किया, परंतु तुझ पर तांत्रिक विद्या का उपयोग करना कोई अपराध नहीं। रुक जाओ। तेरी इतनी सामर्थ, अब आगे देख। क्या है बहन? भैया अनर्थ हो गया, जब वो आपके बच्चे को लेकर यहाँ पर आ रहे थे अचानक एक तंत्रवादी आके रास्ता रोक के बच्चे को उठा के ले गया। जाके बच्चे को बचा लीजिए भैया, जल्दी जाइए। अरे भगवान, दरवाजा खोल भाभी, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मुझे जाके बच्चे को बचाना है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप वहां मत जाइए, उसकी मंत्र शक्ति के आगे हर कोई पराजित हो जाता है। उसकी शक्ति से अपने बच्चे को केवल मेरी काली माँ ही बचा सकती है, काली माँ ही बचा सकती है।
है काली महाकाली, तेरा रक्त अभिषेक करने के लिए ही मैं इस बच्चे को यहाँ पर लाया हूँ। मुझे बलि की लालसा है लेकिन निर्दोष बच्चों की नहीं, तुम जैसे पापी की। हा? अपनी मंत्र शक्ति की लालसा पूरी करने के लिए तूने एक अबला नारी को दुख पहुँचाया, अब इस निर्दोष बच्चे का जीवन लेना चाहता है। सब पाप करने वालों के लिए तेरा विनाश एक उदाहरण रहेगा। दूसरों का विनाश करके अपना कल्याण करने वाले तुझ जैसे पापियों की इस धरती पर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। तेरा यही अंत है, तेरा सर्वनाश हो। दोष काल के 5 वर्ष के अंतराल में हमारा बच्चा हमसे दूर रहा, उस समय हमने कितना कष्ट उठाया। भगवान पर भरोसा है मुझे, अगर भगवान पर भरोसा हो तो कोई भी दोष बुरा प्रभाव नहीं करेगा। काली माँ ने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिया। जा!